तो गाइस अभी देखो एक प्रॉब्लम आ गई है, ये सिलाई ना टूट गई है, टूट गई नहीं छिल गई है। हम हमेशा इसी टाइम पे आते हैं जिस टाइम पे सनसेट हो रहा होता है, क्योंकि ये टाइम सबसे बेस्ट होता है ना। सोनू को तो पीछे करके रहेंगे। उठा, दम लगा पूरा, हाथ में जितना जोर है उतने जोर से खींचियो। अनीश भी और मेरी निगरानी में करता ही है। ओहो ओहो, बैलेंस ढूंढो और थोड़ा सा तेज जाओ नहीं तो गिरोगे। ओह अरे गजब बंद है भाई, ड्रिफ्टिंग मैन का नाम। अरे अरे सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा लाइनअप देख रहे हो, सिर्फ मैं हटा हुआ हूँ साइकिल से, बाकी ये दोनों बैठे हुए हैं। और आज है हमारा सैटरडे, आज सोनू की प्रैक्टिस डे 3 होगी शायद, है ना? वीडियो में तीसरा दिन होगा आज, तीसरा दिन है आज बिली प्रैक्टिस का। और आज हम यूनाइटेड नहीं लेके आए हैं, आज डे क्या है, सैटरडे। आज सैटरडे है, कल हमारा संडे राइड है ना, तो हमने आज सोचा कि यूनाइटेड नहीं यार, आज नियो और हमारी पुरानी ब्लेज को लेकर आया जाए। तो आज पुरानी ब्लेज आई है बहुत दिनों के बाद, हमारी जो न्यू ब्लेज है यूनाइटेड, उसको आज हम नहीं लेकर आए, आज वो रेस्ट पे है, कल संडे राइड पे निकालेंगे। क्यों संडे राइड पे? और सोनू की प्रैक्टिस होगी, नियो से ही कराएंगे, लेकिन आज मैं अभी नियो चला रहा हूँ और वहीं जाएंगे अपना भरतल। और आज मोमोज खाते हैं और वहाँ भी चलेंगे, थोड़ा मिट्टी वाले, वहाँ पे मिट्टी वाले एरिया पे उसको हम बोलते हैं मेन भरतल, वहाँ भी चलेंगे। पहले प्रैक्टिस कराएंगे सोनू का, देन मोमोज खाने चलेंगे। चलो अब शिफ्ट होते हैं फिर गोप्रो पे, चेस्ट माउंट पे, और आज मैं ही बनाने वाला हूँ वीडियो। तो चलो फिर हम आ चुके हैं अब चेस्ट माउंट पे, चलते हैं अब। चलो एक व्हीली से शुरुआत करता हूँ उनको। रे भाई साहब, अभी नाली में ही घुसता मैं। पता नहीं क्या खटखट बज रहा है बहुत ज्यादा, यहाँ पे मारता है, देख रहे हो? पता नहीं यार क्या आवाज आ रही है, खटखट खटखट खट। ये देखो, आ जाओ आ जाओ। बीच में ट्रैक्टर कहाँ से, अरे जगह ही नहीं है। नीच भैया तो भाई कहीं से भी निकल जाता है, कॉन्फिडेंस मैंने पहले ही बोला हुआ है, इनके जैसा कॉन्फिडेंस किसी बंदे में नहीं है हमारे ग्रुप में। बस धीरे धीरे करके हम भी बिल्डअप कर रहे हैं कॉन्फिडेंस लाइक अनीश भैया। कुछ तो आ रही है यार, कहीं से आवाज़ आ रही है, कोई नटवट ढीला है क्या, ऐसा लग रहा है यार चेन की आ रही है। रुको वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद देखेंगे। चलो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, देन वहां पहुंच के वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यार यहाँ पे बड़ा स्ट्रगल होता है, हर बार ट्रेन खड़ी रहती है जिस भी टाइम हम आते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी ट्रेन ना मिली हो,
हुआ होगा एक दो, कभी कभी ना कभी, कभी ना कभी एक दो वीडियो में हुआ होगा। वैसे हमेशा ट्रेन खड़ी करके और यहाँ आके उतरना ही पड़ता है। ऊपर से आज यूनाइटेड भी नहीं है, भारी भरकम बोझ उठाना पड़ेगा आज हमें। चलो 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 चलो, चल चल तेज चल, तू मेरे पीछे रहियो आजा। मार्केट पहुंच गए हैं, मार्केट। ये लोग पीछे रह जाते हैं। चलो पहुंच गए हैं अपने स्टंट पॉइंट पे, स्टंट लोकेशन पे, विद अ ब्यूटीफुल सनसेट। हम हमेशा इसी टाइम पे आते हैं जिस टाइम पे सनसेट हो रहा होता है, क्योंकि ये टाइम सबसे बेस्ट होता है ना। मैंने आप लोगों से पहले भी कह रखा है कि हर जगह तो मैं यूनाइटेड को, अपनी ब्लेज को नहीं निकाल सकता, कभी कभी नियो को भी चलाएंगे यार। और पुरानी ब्लेज कुछ दिनों में हम लोग गांव जाएंगे तो हम उसको लेके चले जाएंगे, पुरानी ब्लेज को, मतलब अभी जिस पे सोनू बैठा हुआ है। इसीलिए इससे पहले कि वो चली जाए, थोड़ा बहुत उसको भी चला लेते हैं, है ना। मतलब टाइम है अभी गांव जाने में, लेकिन फिर भी उसको भी यार कभी कभी निकालना चाहिए, वो बुरा मान जाती है नहीं तो। अरे भाई साहब, अरे इन लोगों ने स्पीड बढ़ा ली यार, मुझे भी बढ़ानी चाहिए। सोनू को तो पीछे करके रहेंगे। मज़ा आ गया खींच के, वाह। चलो अब थोड़ा सा सोनू को व्हीली प्रैक्टिस कराते हैं, देन चलेंगे मोमोज लेके मोमोज खाने। अनीश भैया भी करेंगे आज। पहले से ज्यादा उठने लग गई ना, आजा उठा, दम लगा पूरा, हाथ में जितना जोर है उतने जोर से खींचियो। अनीश भी और मेरी निगरानी में करता ही है, अकेला नहीं आता कभी भी, अकेला आना भी नहीं चाहिए भाई, छोटा है अभी, है ना। दम लगा पूरा, बढ़िया बढ़िया, अच्छा उठ रहा है। पेडल मारना मत छोड़, मारते रहे। देखो थोड़े लोग आते ना तो ये शर्मा जाता है, घूम के आ गया वापस। मैंने इसको बोलता आगे वो पेड़ के पास से आइयो, पूरा दम लगा, नीचे मत देख ऊपर देख, रुक स्लो स्लो, दम लगा पूरा। हाँ पेडल भी मार साथ में और वो भी कर, बाकी यार इसकी प्रैक्टिस लगी रहेगी। इधर तो आप सीनरी देखो यार, अनीश भैया वही देख रहे हैं। अरे भाई साहब क्या ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है यार, हमेशा इसी टाइम पे आते हैं हम। और इधर वो देखो क्या कुत्ता कहाँ पे चला है, वो भी इधर ही देख रहा है, करता रहेगा लगातार तो हो जाएगा यार एक महीने में।
इसमें अभी हाथ में दम ही नहीं है, और चार पांच दिन में कहां से ही दम आ जाएगा ना, टाइम लगेगा यार, बिल्डअप करना पड़ेगा उसे। पहला प्रॉब्लम तो ये है उसको पूरी टेक्निक नहीं पता अच्छे से, दूसरा प्रॉब्लम ये है हाथ में जान नहीं है, तीसरा प्रॉब्लम ये है पैरों में भी जान नहीं है। नीचे मत देख, ऊपर देख। चौथा प्रॉब्लम ये नीचे देख रहा है, ऊपर देख, आगे की तरफ देख, जैसे साइकिल चला रहा है नॉर्मल ऐसे। मेरे से तो हो नहीं रहा, अब इन दोनों भैया का रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अरे अरे भाई साहब, ये बढ़िया था, थोड़ा मारो आप भी। विली विली, हाँ हाँ। अरे अरे, एक और बार। अनीश भैया आप भी। अरे भाई वो तो बहुत लंबा गए। अनीश भैया आप करो। अरे भाई साहब। अरे अरे मारो मारो मारो। ओ ये अच्छा था भाई, पता नहीं यार हमारा सुनू कब सीख पाएगा। एक बार और लास्ट। ओए 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 ओए, चलो फिर अब सूरज ढलने लगा है, देखो थोड़ी देर में वो बिल्कुल अंदर चला जाएगा, तो इससे पहले कि वो पूरा निकल जाए, मतलब अंधेरा हो जाए, अब चलते हैं यार, अब चलते हैं मोमोज खाने। चलो अब निकलते हैं मोमोज खाने। वो दोनों कहाँ चले गए, अरे बिना बताए निकल जाते। सुनू कहाँ गया, सुनू कहाँ गया, आगे मारो मारो। देखा आप लोग ने, आज अनीश भी अभी विलीज मार रहे थे। ओहो रे 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 रे। तो ऐसे ही हमारी प्रैक्टिस रोज लगी रहती है, क्योंकि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। देखो अगर प्रैक्टिस करना हमने छोड़ दिया ना, डेली बेसिस पे भी नहीं, लेकिन अगर हम बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जितनी आती है ना वो भी भूल जाएंगे। इसीलिए कोई भी चीज़ हो, जैसे आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन नया सीखते हो, उसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है ना, प्रैक्टिस करते हो ना, नहीं तो फार्मूला वार्मूला भूल जाओगे, कर नहीं पाओगे। उसी तरह से विली मारनी सीखिए तो यार प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर भूल जाएंगे यार, उठेगी नहीं बाद में। मैं तो चाहता हूँ डे बाई डे मैं बेटर होता जाऊँ, जितना बेटर मैं कर सकता हूँ करने की ट्राई करता हूँ। अभी इन दिनों मैं अपने विलीज पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं सोनू की विलीज पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे ग्रुप में अभी एक सोनू ही है जिसकी विली अच्छे से नहीं आती, मतलब या तो लंबी नहीं आती। अरे अनीश भैया डेंजर है भाई, या तो उसकी लंबी नहीं आती, लंबी नहीं उठा ही नहीं पाता, दम ही नहीं है इसमें, ना हाथ में ना पैर में। अरे क्या कर रहे हो रास्ते के बीच में, देख रहे हो क्या क्या करते रहते यार। अरे नहीं है क्या आंटी, मोमोज वाली आंटी नहीं है, क्या बात कर रहे हो यार। आगे है, आगे आगे देखते हैं कोई मिले तो। मोमो मिल सकता है, मोमोज देखो। अब आप लोग को बोल दिया है कि मोमोज खाएंगे तो मोमोज ही खाएंगे। इधर से जाते हैं, देख के आए थे ना मार्केट लगा हुआ था पीछे, वहां से ले लेंगे। अब वहाँ भी नहीं मिला तो उम्मीद तो कर रहे हैं कि मिल जाना चाहिए, और मैंने देखा भी था ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन ठीक से, अरे ठीक से याद नहीं। अरे भाई साहब नीच भैया तैयार, कहीं पे भी स्लो ही नहीं होते। देखो साइकिल हमने लगा दी है, भैया को बोल दिया है मोमोज बनाने के लिए, भैया मोमोज बना रहे। तब तक जब मैं बोल रहा था ना आवाज़ आ रही है एक, वो यहाँ से आ रही है, ये देखो। अरे अभी तो आ रही थी, ये देखो सुनो इस आवाज़ को, ये जो कट कट आवाज़ है ना जब झटके आ रहे हैं, तो ये स्टैंड हिल रहा है, लूज हो गया है इसको। कल संडे राइड है यार, कल कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो अभी इसको ठीक करा लेंगे, घर जाते जाते ना दुकान पे इसको ठीक करा लेंगे। यहीं से आवाज़ आ रही थी यार, अब पता चला मुझे। चलो मोमोज लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।